हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एटम एंड मॉलिक्यूल का पार्ट टू। पार्ट टू में हम लोग पढ़ने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट। अब मोल कॉन्सेप्ट को लेकर ना आप बड़ा हवा बना के रखते हो कि आपको चीज़ें डिफिकल्ट लगती हैं, आपको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, न्यूमेरिकल्स नहीं सॉल्व होता है। ये सारी प्रॉब्लम्स जो है आज के दिन के बाद ना खत्म हो जाएगा। तो ध्यान से इस वीडियो को देखें, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट में सबसे पहली जो बात है ना कि भाई ये मोल होता क्या है ना, जिसको हम लोग हवा बना के रखा है हमने कि मोल क्या होता है। तो मोल को समझने के पहले ना आप बताइए मुझे कि एक पेयर का मतलब क्या होता है। एक पेयर का मतलब होता है टू। अगर मैंने बोला है वन डजन तो आप बोलते हो 12। अगर मैंने बोला है वन सेंचुरी तो आप बोलते हो 100। तो उसी तरीके से ना कुछ कलेक्शंस को, मतलब थोड़ा ज़्यादा बड़ा ये कलेक्शन है 0.022 × 10³ अगर नंबर है तो हम उसको ना 1 मोल बोलते हैं। और ये नंबर बहुत बड़ा है, आपको दिख रहा है 10³। अब आपको लग रहा होगा कि भाई ये नंबर किसने दिया है। इसका नाम है एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो ने यह नंबर दिया था। अब है कि यही नंबर क्यों, ऐसा आड़ा टेढ़ा नंबर क्यों दिया है भाई। तो यहाँ पे ना एक खास बात होती है कि 1 मोल में इतने ही नंबर क्यों होते हैं। तो देखो एक छोटी सी बात हम लोग समझते हैं कि अगर हमारे पास 1 एटम है ऑक्सीजन का तो ये कितना होगा, 16U होते हैं, है ना। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि मैं खूब सारे ऑक्सीजन रखूँ, इतना सारा कि ये बन जाए 16 ग्राम, तो हमको कितना रखना पड़ेगा। जवाब है इतने एटम्स रखने पड़ेंगे, कितना, 6.022 × 10³ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन रखना पड़ेगा, तब जाके ये क्या बनेगा, 16 ग्राम बनेगा। कहने का मतलब है इतना सारा एटम को हम क्या बोलते हैं, 1 मोल। और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितना होता है, 16 ग्राम। अब देखो यहाँ पे खास बात क्या है कि न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं बदल रहा है, दिख रहे हो 16 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 16 है, लेकिन लास्ट टाइम हम यू में बोलते थे, एटॉमिक मास यूनिट जो था, और यहाँ पे क्या हम बोलते हैं, ग्राम में बोलते हैं। तो अगर हमको यू से ग्राम में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे आइटम को आपको इकट्ठा करने होंगे। ये बहुत सारे आइटम कितने हैं, 1 मोल। 1 मोल मतलब आपको समझ में आ गया, 6.022 × 10³ नंबर जो कि हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। ओके, यहाँ तक बात हमको समझ में आई, ठीक है। अब है कि अच्छा, अगर मॉलिक्यूल के बारे में हम बात करना चाहते हैं, जैसे हमने बोला है कि वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 अगर मैंने लिया है, कितना हो जाएगा, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16 × 2 हो गया, कितना हो गया, 32। तो 12 + 32 आंसर इज 44। क्या, यू। क्यों यू बोल रहा हूं मैं, क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल का मास है, ग्राम बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन अगर मैंने बोला कि भाई वन मोल अगर मेरे पास क्या है, CO2 है, तो इसका मास कितना होगा, 44 ग्राम। अच्छा, 1 मोल का मतलब कितना हो गया, 1 मोल का मतलब हो गया 6.022 × 10³ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 का मास कितना हो गया, 44 ग्राम। क्या आपको मोल का मतलब अब क्लियर हो गया कि इतने कलेक्शंस को हम क्या बोलते हैं, मोल बोलते हैं। जैसे हम डजन बोलते थे, जैसे हम सेंचुरी बोलते थे, जैसे हम पेयर बोलते थे, वैसे ही हमारे पास यहां पे क्या है, मोल है। तो यहां तक पहले कॉपी करें, फिर हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस पे। तो अब मैं ना यहां पे इसी डेटा के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करना चाहता हूं, आप मुझे बताइएगा आंसर, ठीक है। फिलहाल हम लोग फॉर्मूला नहीं देख रहे हैं, फिलहाल आपके कॉन्सेप्ट वाइज हम लोग बात करने वाले हैं। तो मुझे समझ में आ गया कि ठीक है भाई, वन एटम का जो ऑक्सीजन का एक एटम का मास होता है 16U। फिर आपने बोला कि इतने सारे एटम, मतलब 1 मोल एटम का मास कितना होता है, 16 ग्राम। अगर मैंने आपको दे दिया कि 32 ग्राम ऑक्सीजन एटम्स, ऑक्सीजन 32 ग्राम ऑक्सीजन है हमारे पास, ठीक है, दिया हुआ ये बात, तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है कि नंबर ऑफ मोल्स। क्या बता सकते हो मुझे कि नंबर ऑफ मोल कितना होगा। तो मुझे पता है कि 16 ग्राम मतलब 1 मोल, तो 32 ग्राम मतलब आपने बोला 2 मोल। कैसे निकाला आपने 2, तो मैं आपको बताता हूं, आपने ऐसे किया होगा कि 32 डिवाइडेड बाई आपने किया है 16, 32 डिवाइडेड बाई 16 करने से आपको मिला था 2, यही किया था आपने। तो मैं यहां से ना एक फॉर्मूला बनाना चाहता हूं, फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपना, कि आपने किया नंबर ऑफ मोल फाइंड करने के लिए, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्या हो गया, गिवन मास
डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या फिर हमने क्या ले लिया एटॉमिक मास। अगर एटम दिया है तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल दिया है तो मॉलिक्यूलर मास, यही किया कि नहीं आपने। एक छोटा सा और क्वेश्चन कर लेते हैं कि अगर मैंने आपको दे दिया कि लाइक हमने दे दिया आपको कि O2 मेरे पास दिया हुआ है, O2 है और O2 का जो मास है वो है 64 ग्राम, ठीक है। आपको बताना है कि मोल कितना होगा। तो चलो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि ये O2 क्या है मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा इसका O2 का बताइए, 16 इंटू 2 दैट इज 32, तो ये कट जाएगा और यहां पे आ जाएगा 2 मोल्स। आगे बात समझ में, एक फॉर्मूला तो हमको क्लियर हो गया कि भाई नंबर ऑफ मोल कैसे निकलता है, तो गिवन मास डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास। ओके, एक ये वाला भी हम लोग कर लेते हैं कि लाइक यहां पे अगर हमको दिया हुआ है कि गिवन मास ऑफ CO2 इज 440 ग्राम, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स बताइए मुझे कितने मोल होंगे। तो आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास CO2 का कितना होता है बताइए, एक मॉलिक्यूल का मास तो इतना U था, लेकिन एक मोल का मास कितना है 44 ग्राम, तो आपने लिखा 44, ये हो गया यहां पे 10, तो हमारे पास कितना आ रहा है 10 मोल आ रहा है। अच्छा, इसी में अगर हमसे पूछ लिया होता कि फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के भी नंबर्स बताओ, तो क्या करते हैं? आपको पता है कि एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 6.022 × 10⁻³, इसलिए 10 का में कितना होगा, तो इंटू 10 कर लिया आपने, आंसर इज 6.022 × 10⁻², पावर यहां पे एक बढ़ गया, है ना। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आप अभी कर पाओगे, हमने बस एक फॉर्मूला अभी तक देखा है। अब हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला पे आते हैं, तो पहले आप ये एग्जाम्पल कॉपी कर लें, फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। चलिए अब हम लोग ना दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद फिर मोल वाला फॉर्मूला देखेंगे। अगर मैंने आपसे पूछा है कि हाउ मेनी बनाना इन 2 डजन, सिंपल सा है, क्या करेंगे 2 × 12 करेंगे, कितना आ गया 24। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहीं पे कि हाउ मेनी पार्टिकल्स इन 2 मोल्स, अब आप बताओ क्या करोगे, तो एक मोल की वैल्यू कितनी होती है, जैसे आपने लास्ट टाइम बोला था एक मोल एक डजन का मतलब होता है 12, तो आपने 2 × 12 किया था, यहाँ पे 2 × क्या करेंगे, एक मोल की वैल्यू कितनी होती है 6.022 × 10⁻², आंसर इज 12.044 × 10⁻²। बोलो ये छोटे छोटे हम लोग रिलेट करके पढ़ सकते हैं इस बात को, हाँ पढ़ सकते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास 60 बॉल्स हैं तो कितने डजन होंगे, तो आपने बोला कि ठीक है हम क्या करेंगे 60 डिवाइडेड बाई आपने 12 कर लिया, आपने बोला 5 डजन, आपने क्या किया गिवन नंबर ऑफ बॉल्स डिवाइडेड बाई द वैल्यू ऑफ 1 डजन, यही किया कि नहीं। तो अगर मैं आपसे पूछूं यहां पे एक दूसरा क्वेश्चन लेके कि 6.022 × 10⁻², पार्टिकल्स आर गिवन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, अगर आपसे मैंने पूछा कि भाई कैलकुलेट करना है आपको मोल कितने होंगे, तो आप क्या करोगे गिवन वाली बात फिर से लिखेंगे, जैसे लास्ट टाइम हमने लिखा था गिवन वाली बात 6.022 × 10⁻², लास्ट टाइम आपने क्या लिखा था 1 डजन का मतलब, यहां पे क्या लिखना है 1 मोल का मतलब कितना होता है 6.022 × 10⁻², ये और ये कैंसिल, यहां पे आता है 100, तो इस तरीके से ना हम रिलेट कर पाते हैं। तो देखो आपने क्या किया, कैसे आपने मोल यहां पे कैलकुलेट किया, अब मैं इसको फॉर्मूला आपको समझाता हूं। आपने लिखा नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई 6.022 × 10⁻²। बोलो यही किया कि नहीं आपने, तो अब हम ना इसको फॉर्मूला समझ लेते हैं। तो ये हमारा कौन सा फॉर्मूला हो गया कैलकुलेट करने का मोल को, सेकेंड फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला कौन सा बताया था मैंने,
गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास। ऊपर देखो हर बार ना गिवन वाली बात आ रही है, जो भी हमको दिया रहता है वो हमेशा हमको ऊपर लिखना है और फिर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक स्टैंडर्ड वैल्यू लिखनी होती है। नंबर ऑफ पार्टिकल है तो स्टैंडर्ड वैल्यू 6.022 × 10⁻³, जो कि एवोगैड्रो नंबर है। ओके, तो दो फॉर्मूला हम लोग को समझ में आया, इस पर हम लोग और क्वेश्चन करते हैं और फिर नेक्स्ट फॉर्मूला देखेंगे। तो देखो हमारे पास क्या है कि द वॉल्यूम ऑफ वन मोल ऑफ एनी गैस, किसी भी गैस का एक मोल अगर वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे रखा हुआ है तो कितना होगा, 22.4 लीटर। ओके, अच्छा अगर मैं बोला कि दो मोल है तो दो मोल है तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो, 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई किया आपने, कितना हुआ ये 8 और यहाँ पे हो गया 44.8 लीटर। अगर मैं आपको एक सवाल दे दूँ कि जैसे कि फाइंड द, क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, क्यों, क्योंकि एक मोल की वॉल्यूम कितनी होती है 22.4 लीटर, तो इतना लीटर है तो कितना कैसे करेंगे, तो आप करते हो कि n इज इक्वल टू, आपने क्या किया 224 / 22.4, सो डेसिमल यहां से हटेगा, यहां पे 0 और यहां पे आ जाएगा 10, तो क्या आ जाएगा 10 मोल, तो n की वैल्यू क्या आ गई 10। अब यहां से ना हम लोग एक फॉर्मूला बनाना चाहते हैं, तो क्या बोलेंगे कि नंबर ऑफ मोल n इज इक्वल टू क्या होता है, n इज इक्वल टू होगा गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। सो ये हमारा क्या आ गया, अच्छा ये सब बातें कहाँ पे होनी चाहिए, एट एसटीपी, अगर एसटीपी पे नहीं है तो ये फॉर्मूला हम नहीं लगा पाएंगे, है ना। तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास तीन फॉर्मूले आ गए, इसको थर्ड लिस्ट कर देता हूँ मैं, आपके पास तीनों फॉर्मूले आ गए क्या कैलकुलेट करने के लिए, मोल कैलकुलेट करने के लिए। सो देखो यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग, तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 52 ग्राम ऑफ हीलियम, अच्छा हीलियम का आपको ना मास पता होना चाहिए, हीलियम का मास होता है 4, ठीक है, तो हीलियम का हमने यहाँ पे मास लिख रखा है। अब मुझे बताओ कि मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम लोग ए पार्ट कर रहे हैं, ओके, तो आपको याद करो ऊपर में क्या लिखते थे, गिवन मास डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास, याद है ना आपको, गिवन मास कितना है 52 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास कितना है 4, कितना आ गया 13 मोल्स, बोलो आता है समझ में ये चीज, हाँ। अब क्या बोलता है सेकंड पार्ट, सेकंड मैं यहां पे सॉल्व करता हूं, सेकंड में भी बोला है कि भाई इतना एटम्स दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू होता है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल लिखा था, अब मैं एटम लिख देता हूं, भाई एटम के बारे में बात है तो पार्टिकल लिखने की जरूरत नहीं है, और यहां क्या लिखेंगे 6.022 × 10⁻²। सो यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करो तो ये आता है 12.044 × 10⁻²³ डिवाइडेड बाई 6.022 × 10⁻²³, ये और ये कैंसिल, यहाँ पे आता है 2, सो n की वैल्यू आ गई यहाँ पे 2, है ना, n की वैल्यू कितनी हो गई 2। आसान है नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना, ठीक, कॉपी करें। अब हम लोग देखते हैं क्या सवाल पूछा हुआ है, कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग, तो फर्स्ट है कि 0.5 मोल ऑफ N2, पहले आपको बता दें कि वन मोल ऑफ N2 का मास कितना होता है, N2 का होता है 14 × 2 डेट इज 28 ग्राम, ठीक है, एक मोल का मास हमको समझ में आ गया, अच्छा तो 0.5 मोल का कितना होगा, तो 0.5 मोल का हो जाएगा 28 × 0.5 को आप लिख सकते हैं 1/2 से कितना हो जाएगा 14, आंसर इज 14 ग्राम। ए पार्ट समझ में आ गया, नाउ बी पार्ट, बी में क्या बोलता है कि 0.5 मोल ऑफ एन एटम, तो आप बताओ कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, 1 मोल अगर है तो कितना हो जाएगा, 1 मोल नाइट्रोजन का केवल है तो 14 होगा, 14 ग्राम, तो 0.5 मोल का कितना हो जाएगा, यहाँ पे कंफ्यूज तो नहीं हो रहा हो कि एक जगह पे मैं बोल रहा हूँ 28, भाई ये N2 है और ये N है, दोनों में फर्क है, ओके, अच्छा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 14 × 0.5 का मतलब कितना हो गया 1/2, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये हो गया अपना 7, सो आंसर इज 7 ग्राम। दो पार्ट हो गया, नाउ थर्ड पार्ट, चलो ये हो गया कॉपी, कर लो कॉपी, 1, 2, 3, 4, 5, चलो स्टार्ट करते हैं। सी में क्या हुआ, इतना एटम है तो पहले मैं मोल निकाल लूं, नंबर ऑफ मोल कैसे मिलेगा, नंबर ऑफ मोल मिलता है हमको गिवन नंबर ऑफ एटम्स,
डिवाइडेड बाय क्या, डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। ये दिया हुआ है अपने को 3.011 इंटू 10 पे पावर 23 और यहां पे है 6.022 इंटू 10 पे पावर 23। ये और ये कैंसल, यहां पे आता है 1/2, आंसर इज 0.5 मोल। 0.5 मोल है, अच्छा तो मुझे मोल समझ में आ गया। N है, एटम्स ऑफ N, तो बताइए मुझे मास कितना हो जाएगा। मुझे पता है कि वन मोल ऑफ N एटम्स का मास कितना होता है, 14 ग्राम। तो 0.5 का कितना हो जाएगा, 14 इंटू 0.5 जो कि होता है 14 इंटू 1/2, ये हो गया फिर से 7 ग्राम। और लास्ट पार्ट हम लोग यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। लास्ट पार्ट क्या बोलता है कि इतना क्या दिया हुआ है, N2 मॉलिक्यूल दिया हुआ है। तो फिर से मैं नंबर ऑफ मोल निकालता हूं। नंबर ऑफ मोल क्या होता है, गिवन एटम, गिवन कितना दिया हुआ है 6.022 इंटू 10 पे पावर 23 डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर जो कि यही है। अगर आप इसको सॉल्व करो ये क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 मोल। और 1 मोल किसका मास चाहिए अपने को, 1 मोल ऑफ N2 एटम। तो आपको पता है कि 1 मोल ऑफ N2 कितना होता है मास, हमने कहीं पे लिखा था 28 होता है। तो 1 मोल ऑफ N2 का मास कितना होता है, 28, यही तो हमसे पूछा था। तो इस तरीके से हमने क्या किया, हमने यहां पे दो न्यूमेरिकल्स हमने यहां पे सॉल्व किया। अब ये वीडियो को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग केवल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने वाले हैं। थैंक यू।